कावड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया। पूरे उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। कावड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। स्पष्ट है योगी इस मुद्दे पर बैकफुट पर बिल्कुल नहीं आने वाले। हालांकि बीजेपी में ही इस फैसले पर सवाल उठने लगे। कल बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक्स पर लिखा, कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली छुआछूत की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए लेकिन छुआछूत का संरक्षण नहीं होना चाहिए। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो नकवी नरम पड़ गए और एबीपी न्यूज से बातचीत में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर फैसला बताया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के एक दिशा निर्देश के आधार पर जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था उसमें उसको लेकर के हाहाकार मचा। राज्य की सरकार ने उस कंफ्यूजन को करेक्ट किया है और स्पष्ट किया है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी तो नरम पड़ गए लेकिन सहयोगी दलों की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। केंद्र सरकार में बीजेपी के अहम सहयोगी जेडीयू ने भी इस फैसले पर सवाल उठा दिया। यह मोदी जी के सिद्धांत की मूल भावना से मेल नहीं खाता है, जिसमें वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये एक तबके के प्रति संदेह पैदा करता है जो सामाजिक सद्भाव पश्चिमी यूपी में सदियों से बना हुआ है उसके भी अनुरूप। ऐसी ही प्रतिक्रिया केंद्र और राज्य में बीजेपी की साथी आरएलडी की भी आई। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने एक्स पर इसे गैर संवैधानिक निर्णय बताया। इधर विपक्ष और बीजेपी के बीच वार पलटवार लगातार जारी। बीजेपी के पास जब कुछ नहीं होता है करने को तो वो नफरत और वैमनस्य फैलाने लगती है। बीजेपी को जनता ने एक संदेश दिया है कि आपकी नफरत की राजनीति से अब हम तंग आ चुके हैं। 63 सीटें आपकी कम हो गई, उसके बाद भी आप संदेश पढ़ने को तैयार नहीं है। मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार के पास और कोई काम ही नहीं है, ना रोजगार क्रिएट करना है, ना महंगाई कम करनी है, ना उद्योग बढ़ाना है, अब यही काम एक रह गया है। भाजपा हताश और निराश है, वो हिंदुत्व के मुद्दे को फिर जिंदा रखना चाहते हैं, वो हर एक्शन पर रिएक्शन चाहते हैं, वो ये रहा कि ये चाहते हैं कि हम लोग ये अपने आप को फिर ये कह के देखिए हिंदुओं के अलंबरदार हम ही है और कोई नहीं है। हम तो इन लोगों को कह रहे भाई जो आपको करना दूसरी जगह कर लो, हमारे मुजफ्फरनगर क्यों बदनाम करते हो। पूरे मुजफ्फरनगर दंगे में विस्थापित दोनों हुए थे, एक भी हिंदू विस्थापित को मुआवजा नहीं दिया गया था जबकि मुस्लिम विस्थापित को 5 लाख का मुआवजा दिया गया था। वो अखिलेश यादव को अब नाम लिखने से भी पीड़ा है, जो मुआवजा भी धर्म के आधार पर देते थे उन्हें अगर नाम लिखवा रहे हैं हिंदू के भी मुस्लिम के, तो उनसे भी पीड़ा है। अजीब बात है। आपको बता दें मुजफ्फरनगर जिले से होते हुए कांवड़िए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी के अलग अलग जिलों में जाते हैं। हरिद्वार से हर साल 4 करोड़ कांवड़िए कांवड़ उठाते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए तो मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं। शिव भक्ति की यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है लेकिन उससे पहले नेम प्लेट वाले आदेश से यात्रा में विवाद जुड़ गया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.